गाइस आ गया तुम्हारा भाई कैडी से दमदार वीडियो लेके। सो गाइस आज की जो वीडियो है वो हमारे काफ़ी कमेंट आए थे गाइस कि भाई जिंदल जो जिंदल हाउस है वो दिखाइए, जिंदल की फैक्ट्रियाँ वो दिखाइए हिसार के अंदर। तो आज मैं आपको पूरा वहाँ का व्यू कराऊँगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे जिंदल चौक, जिस चौक का नाम जो जिंदल की वजह से पड़ा है, तो वही चौक के पास ही जिंदल हाउस है। तो आज आपको पूरा व्यू करूँगा, वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। और जिसने मेरे पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो प्राइम बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक कर लेना ऑल, और जो मेरे चैनल पर नया नीचे सब्सक्राइब बटन है सब्सक्राइब कर लेना, ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे नेक्स्ट जो भी वीडियो मेरी होगी वो डायरेक्ट आपके पास पहुँचेगी। ठीक है गाइस, और हाँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को फैला दिया करो, बिल्कुल फैला दिया करो यार, मज़ा आता है, जितना फैलाओगे उतना अच्छा मुझे और लगेगा। ठीक है चलिए अब हम चलते हैं जिंदल हाउस के पास। सबसे पहले हम चलेंगे जिंदल चौक, याद रखा जिंदल चौक, उसके पास ही उसका हाउस है और उनकी जो फैक्ट्रियाँ हैं कुछ एक वहीं हैं और कुछ थोड़ा सा हमारे जिंदल पुल के पास है। तो सारा व्यू कराता हूँ, वीडियो का बने रहे, वीडियो को स्किप मत करना। चलो मिलते हैं वीडियो के एंड में। जैसे कि आप देख रहे हो ये आ गया हमारा जिंदल चौक, जैसे कि आप देख रहे हो लिखा हुआ है। ठीक है तो मैं आया हूँ इधर से अपना डीसी कॉलोनी और बस स्टैंड वाली रोड से सीधा जो डावड़ा चौक आता है पहले। ठीक है अभी हम जाएंगे सीधा यहाँ से, तो यहीं पे हमारे जिंदल हाउस हैं। चलिए मैं आपको पूरा व्यू कराता हूँ, वीडियो के साथ बने रहना। ठीक है गाइस, तो गाइस जैसे कि चौक से हम निकले हैं, निकलते ही सामने ये एक और चौक आ गया है, बिल्कुल साथ में ही चौकी है और ये आ गया हमारा पेट्रोल पम्प। इससे भी अब ये वाली जो रोड जा रही है, जा रही है सूर्य नगर सेक्टर 14 और ये जा रही है मॉडल टाउन के अंदर। ठीक है हमें जाना है बिल्कुल सीधा, तो हम चलते हैं। तो इस हिसार में किसी ने सुविधा पूछा था, तो सुविधा भी है गाइस, देख सकते हो आप ये है सुविधा। तो चलिए जो सबसे पहला बिल्कुल चौक क्रॉस करते ही जो सबसे पहली फैक्ट्री आती है जिंदल की वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वेट कीजिए। एक ये है सबसे पहली फैक्ट्री जिंदल की। ठीक है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखिए ये गार्ड्स खड़े हैं, ये जिंदल की सबसे पहली फैक्ट्री है। ठीक है गाइस काफ़ी बड़ी फैक्ट्री, अंदर से मैं दिखा नहीं सकता, ये देखिए आप। ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं। सो गाइस ये है जिंदल के क्वार्टर, जैसे कि आप देखो काफ़ी बड़े हैं जिंदल के क्वार्टर हैं ये। ठीक है और हमें जाना आगे, एक ये फैक्ट्री है जिंदल की जैसे कि आप देख सकते हो इधर सामने। ठीक है और एक बिल्कुल हमें जाना है सीधा। सो गाइस ये जिंदल की देख लो, ये सारी ग्रीन की जितनी दीवार है सारी जिंदल की है। जिंदल का हाउस का सबसे पहला गेट आ गया है, जैसे कि आप देख रहे हो जिंदल हाउस का सबसे पहला गेट है, देख सकते हो आप। ठीक है चलते हैं हम आगे, ये देखिए कितना बढ़िया व्यू है गाइस, ये भी सारा जिंदल का ये हाउस है जैसे कि आप देख सकते हो। ये आ गया इसका सेकंड गेट। ठीक है और इसका देख काफ़ी बड़ा हाउस है गाइस, आप अंदर से देखो थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको, लेकिन अंदर जाने की कोई परमिशन नहीं है हमारे पास और ना ही जाने देते हैं। ये है जिंदल का थर्ड हाउस, देख सकते हो थर्ड गेट है ये जिंदल हाउस, ये देखिए। और गाइस मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया और काफ़ी बड़ा है ये, और बिल्कुल हमारे सन सिटी के सामने है। ये इसका फोर्थ गेट है जिंदल का, शायद गेट खुला है तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूंगा। ये इसका फोर्थ गेट कितना बड़ा भाई, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है यहाँ हमारा जिंदल हाउस ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है एंड आ जाता है, तो बिल्कुल इसके साथ में हमारा ट्रांसफर वर्कशॉप के साथ ये चीज़ है। ठीक है सामने ही सन सिटी है, तो मैं अब जो जिंदल चौक के पास थी उसकी फैक्ट्री और उसका हाउस वो मैंने आपको दिखा दिया है। दो फैक्ट्री थी और तीन चार गेट हैं उसके, वो मैं दिखा दिया। अब जो ज़्यादा आगे फैक्ट्री है वो है जिंदल पुल के पास, तो वहाँ जाके आपको पूरा व्यू कराता हूँ जिंदल पुल के पास। वीडियो की कीमत करना, चलिए जिंदल पुल के पास चलते हैं। तो गाइस हम चल रहे हैं जिंदल पुल की तरफ और उसकी भी जो जिंदल की दो फैक्ट्री हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो कम्प्लीट हो जाएगी। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है वो भी देखिए आप, ये हमारा गया सेक्टर 9-11 का मोड़। ठीक है ये हमारा सेक्टर 9-11 का मोड़, सारा सेक्टर 9-11 है इधर, इसकी पूरी वीडियो मैंने डाली हुई है, ऊपर आई बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक करके देख लेना। ठीक है गाइस जब चलते हैं हम जिंदल पुल की तरफ, बिल्कुल सीधा जाना है हमने, कहीं नहीं मुड़ना है गाइस, सीधा जाते ही जिंदल पुल आ जाएगा। ठीक है गाइस, सो गाइस चल रहे हैं हम अब जिंदल पुल की तरफ, तो हमें वहाँ दो फैक्ट्री हैं, वो दोनों फैक्ट्री देखते ही हमारी वीडियो कम्प्लीट हो जाएगी। जिंदल हाउस और जिंदल फैक्ट्री दिखानी थी मुझे आपकी, आपको यहाँ पर,
ठीक है। तो जिंदल पुल जो नाम पड़ा है वो इसी वजह से ही पड़ा है, जिंदल पुल जो है जिंदल की वजह से, क्योंकि वहाँ भी जिंदल की फैक्ट्री है। जैसे जिंदल चौक है वहाँ जिंदल का हाउस है, तो यहाँ जिंदल की फैक्ट्री है तो जिंदल पुल नाम पड़ा है इसका, ठीक है गाइस। चलिए तो गाइस जैसे कि हमारा आ गया है जिंदल का पुल, तो हम इस पुल के ऊपर से भी फैक्ट्री देख सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे नीचे से थोड़ा सा क्लियर दिखेगी गाइस, ठीक है। तो हम चलेंगे इसके बिल्कुल इस साइड पे, इस साइड से हम लेंगे जिंदल के पुल की तरफ जाएंगे, ठीक है। वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, काफ़ी मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने में। चलिए तो गाइस जैसे देख रहे हो आप, ये पुल के नीचे की मार्केट आ गई है पूरी, ठीक है। और इसका भी मैंने आप पूरी एक इस मार्केट से, सॉरी मैं एक बार आपको दिखाता हूँ फिर बताता हूँ। ये जो मोड आ रहा है वो जिंदल मॉडर्न स्कूल का बोर्ड दिख रहा है आपको, इसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, इस पूरी मार्केट की जिंदल मॉडर्न स्कूल तक की, जैसे कि आप देख रहे हो पूरी वीडियो बनाई हुई है। ऊपर आई बटन आ रहा है, उसको क्लिक करके देख लेना। चलिए आप, मैं फैक्ट्री दिखाता हूँ आपको, यहाँ से जिंदल की फैक्ट्री स्टार्ट हो जाती है, ये देखिए ये पूरी जिंदल की फैक्ट्री है गाइस, ये देखिए ये एसएल जिंदल की फैक्ट्री है ये। तो ये देखिए पूरा इस जिंदल ने पूरा एरिया कवर कर रखा है ये, जैसे कि आप देख सकते हो। रुक के मैं, कोई सिक्योरिटी इश्यू होते हैं यार मैं नहीं दिखा सकता, क्या पता सारा टॉप ना दे मुझे, ठीक है गाइस। चलिए अब मैं आपको दूसरी फैक्ट्री दिखाता हूँ, ये देखिए जिंदल की फैक्ट्री है ये, ठीक है। यहाँ से मैं अभी आपको लेके आया हूँ और हम आपको दूसरी फैक्ट्री दिखाता हूँ। ये पटरियाँ क्रॉस करनी पड़ेगी हमें, ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, क्योंकि आगे कोई व्हीकल वगैरह जाते नहीं है गाइस इसी पटरियों की वजह से, रेलवे ट्रैक से, ठीक है। ये देखिए ये पुल भी इसी वजह से, फैक्ट्री की वजह से थोड़ा टेढ़ा किया गया है, ठीक है ना। ये हमारी जिंदल की सेकंड फैक्ट्री जिसमें हम जा रहे हैं वीडियो के साथ। सो गाइस ये हमारी जिंदल की सेकंड फैक्ट्री, काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है ये जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है, देखिए गाइस ये ना, ये पूरी फैक्ट्री है जिंदल की, आगे तक है ये, यहाँ तक पूरे बड़े एरिया में फैली हुई है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं वापस, ये देखिए पूरी है, मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, ये पूरी बड़ी है, ये देखिए गाइस काफ़ी दूर तक है फैक्ट्री, जितना दूर हो सके उतना दिखाई देता हूँ, बहुत लंबी है, काफ़ी लंबी फैक्ट्री है गाइस। ये है जिंदल की सेकंड फैक्ट्री, ठीक है गाइस। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको जिंदल हाउस और जिंदल फैक्ट्री जितनी भी हैं वो दिखा दी है आपको, ठीक है। ये मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे, बोला यार जिंदल हाउस दिखा दो, जिंदल हाउस कैसा दिखता है, या जिंदल की जितनी फैक्ट्री हैं वो दिखा दो। तो मैं सोचा आज आपको पूरा व्यू करवा देता हूँ वीडियो के साथ, आपने पूरा सपोर्ट करना और जितना उसके वीडियो को फैला देना गाइस, बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फैला दिया करो, फैलाते नहीं हो तो मेरा भी लगा बहुत नुकसान होता है गाइस। साइन द सेंस क्या, मेरा ना डिमोटिवेट हो जाता हूँ, फिर मैं और वीडियो बनाने सोचता हूँ बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को जितना उसके फैला दिया करो गाइस, ठीक है। ठीक है गाइस, और हाँ गाइस जिसने मेरे पहले वाली वीडियो नहीं देखी होगी, ऊपर आई बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक करके देख लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी इंटरेस्टिंग चीज़ लेके, बस दुआ है कि फैला दिया करो गाइस, फैला दिया करो, बहुत मेहनत लगती है यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई अच्छी सी इंटरेस्टिंग चीज़ लेके, मैं लिखी कुछ मैं वीडियो।